नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश ALP पर। अब देखिए, मैं आपको मैथ में एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपके सामने, जिसका नाम है प्रतिशत। और ये प्रत्येक कंपटीशन और एकेडमिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इसके सवाल ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो। तो देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज। अब देखिए, परसेंटेज इसे बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब, इसे जब हम बीच में से तोड़ेंगे, प्रति धन शत, यानी प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक वस्तु, है नहीं है? और शत का मतलब होता है सौ, शत का मतलब सौ, संस्कृत का वर्ड है शत, शत माने सौ, यानी पूर्ण तरीके से, यानी प्रत्येक सौ, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 100% मानी जाती है। और प्रतिशत का मतलब होता है सौ के आधार पर गणना करना, सौ के आधार पर गणना करना। जैसे आपने सुना होगा, किसी भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में 65% आए हैं, यानी 65% आए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पूर्णांकों को अगर हम 100 मान लें, तो उसमें से 65 नंबर उसके आए हैं। या फिर किसी बच्चे के अगर 80% नंबर हैं, 80% नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि उसका जो पूर्णांक है, उसे अगर हम 100 मान लें, तो उसका जो उसके जो मतलब प्राप्त अंक हैं, वो 80 हैं। आई समझ में? यानी 100 के आधार पर गणना करना, 100 के आधार पर गणना करना, ठीक है। और प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 मानी जाती है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 मानी जाती है। और भी आगे इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए, प्रतिशत में क्या होता है कि पूरी वस्तु को एक मान लिया जाता है अगर भिन्न के रूप में है जब, या परसेंटेज के रूप में कोई भी वस्तु 100% मानी जाती है। जैसे माना ये कोई फल है, ठीक है, ये कोई फल है, और फल एक ही तो होगा, एक फल होगा, तो हम इसे 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% फल मानेंगे। अब इस फल को हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया इस फल को, ठीक है, यानी इसका आधा कर दिया, तो आधा का मतलब ये हो गया 1/2। यहाँ पे चल रहा है भिन्न रूप, यहाँ पे चल रहा है प्रतिशत रूप, और एक होता है डेसिमल फॉर्म, वो भी बताऊँगा मैं। तो ये क्या है? फल, फल का आधा कर दिया, यानी फल का हाफ कर दिया, तो हो गया 1/2, यानी हो गया 50%। यानी किसी भी वस्तु का जब हाफ कर देते हैं, तो वो 50% रह जाता है, और वैसे भिन्न रूप में 1/2। अब इसका भी आधा कर देते हैं, तो वो इस आकार का रह जाएगा, यानी चौथाई रह जाएगा, तो इसे बोलते हैं 1/4। ये यहाँ रह जाता है 25%। कितना रह जाता है? 25%। अब इसका भी आधा कर देते हैं, किसका, यानी इसका भी आधा कर देते हैं, तो इसका भी आधा करोगे तो ये कुछ इस आकार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8, और यहाँ पे हो जाएगा 12.5%, यानी 12 whole 1/2%। इसी प्रकार इसका भी आधा कर दीजिए, तो ये इस आकार में हो जाएगा छोटा सा, इसे बोलेंगे 1/16, और इसका जो प्रतिशत रूप हो जाएगा 6 1/4, यानी 6 4/4%, ठीक है। यानी पूरे फल को हम 100% मानते हैं, फिर उसे जैसे जैसे काटते जाएंगे, उसी प्रकार उसका प्रतिशत जो है चेंज होता रहेगा, यानी प्रतिशत भी चेंज होगा और भिन्न भी चेंज होगी। और देखिए, प्रतिशत जब हटाते हैं, यानी प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाते हैं, तो बटे में 100 आ जाता है, बटे में 100 आ जाता है। जैसे 50% है, ये कितना है? 50%। तो 50% में जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, तो 50/100 आ जाएगा, और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 × 2 = 10 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। यानी 50% कह लो या 1/2 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 50%
एक बटे दो का प्रतिशत रूप है और एक बटे दो 50% का भिन्न रूप है। आगे 75% को 75/100 लिखते हैं, अगर इसे काटेंगे तो 25 × 75 = 25 = 100, यानी यह आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसी प्रकार 80% का 80/100, 1 0 से 1 0 कट गया, और काट दो इसे, 2 × 8 = 10, यानी इसका भिन्न रूप हो गया 4/5। आई समझ में, यानी प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 लाना। ठीक है, और पूरी चीज़ को हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी परसेंट को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दोनों प्रकार के सवाल आते हैं और आपको आना चाहिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 90% लिखा है, 30% लिखा है। अगला, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 9/10 7/10। तो देखिए, प्रतिशत में जब हम बदलते हैं भिन्न को तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए आप, 90% है, कितना है 90%, तो प्रतिशत जब हटता है तो इसके बटे में 100 ले लेते हैं। प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें प्रतिशत है या नहीं है। ठीक है, तो प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया, 9/10, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार ये वाला देखिए, जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 कितना आंसर आ गया, 3/10, क्योंकि ये संख्या कटेगी नहीं किसी से। अब आ जाओ इस पर, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा अपनी तरफ से 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा। तो देखिए इधर, 9/10 में किससे गुणा हो जाएगी, 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया, 90%। इसी प्रकार इसमें 7/10 में किससे गुणा हो जाएगी, 100 से। 1 0 से 1 0 7 2 70% आ गया, बटा 1 को लिखते नहीं,